वेल सो व्हाट इज अप गाइस YPM व्लॉग्स बैक हियर. तो भाई क्या हालचाल है. इस वक्त मामू मामी है ना वो आए हुए हैं इंडिया और वो इस वक्त है गुड़गांव में. मैं उनको जा रहा हूँ पिक करने के लिए बट उनको ये नहीं दोबारा से पता कि मैं उनको जा रहा हूँ पिक करने के लिए. लैम्बोर्गिनी एंड पीछे अंकल आ रहे हैं थार में. तो देखते हैं मामू और मामी से गाड़ी में कौन बैठता है मेरे साथ और गुड़गांव में जा रहा हूँ बहुत टाइम के बाद इस गाड़ी पे. हाँ जी अंकल जी क्या हाल है. बहुत अच्छा. आगे मैं बता रिप्लाई नहीं दे पाएंगे. चलो भाई करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट. चलो वेल सो व्हाट इज अप गाइस माय ब्लॉग्स बैक हियर. कितना नीचे आ गया ये वाला पेड़. मैं तो निकल जाएगी आराम से. बाकी लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है. बस ये पेड़ गिर ना जाए किसी भी गाड़ी पे. फ्यूलिंग इज डन और सब लोग भाई इधर इकट्ठे हो गए हैं. सब के भैया देख रहे हैं. गाइस गर्मी में ना अलग ही मतलब लैम्बो होती है क्योंकि कोई भी लैम्बो हो भाई दुबई के अंदर जब मैं जाता हूँ ना गाड़ी गर्म हो जाती है. अभी भी इट्स ऑन 90 और 100 के बीच में टेम्परेचर है बट विंटर से कंपैरिजन में ना लैम्बो भाई ज़्यादा गर्म होती ही होती है भाई. मतलब ये सब गाड़ियाँ जो है ना इनका बहुत हैवी इंजन होता है. दिस इज 5 लीटर V10 इंजन और ये बहुत ज़्यादा हैवी है. ठीक है जो वो आती है विंटर और वो तो भाई गाड़ी गर्म होकर ना बंद हो जाती है यूजुअली बिकॉज दैट इज V12 6.5 लीटर 6.2 लीटर. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल. अगर SVJ है तो वो अलग है. अगर नॉर्मल है विंटर है तो वो अलग है. बट पूरी रोड खाली है और मेरे को यही चाहिए खुली खाली रोड पूरी. आंटी देखो कैसे देख रही है कार क्या जा रही है. गाइस गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने. कितनी क्यूट लग रही है. और अंकल ने वहाँ पे थार खड़ी कर दी है. यहाँ पे 18 कॉम्यून में मामू है. लेट्स गो इनसाइड 18 कॉम्यून. यहाँ पे देखते हैं मामू लंच कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कल फ्रेंड्स थे ना जो कल की वीडियो में देखा उनके साथ ही है. सब शर्मा गए अब यहाँ पे आते ही. पहले कह रहे वीडियो बनानी है वीडियो बनानी है. हाँ जी क्या बोलना आप बताओ. ऑन है रोल पे रहता कैमरा. मैं थार पे आया हूँ आज. क्यों लैम्बो क्यों नहीं लेते. लैम्बो इतनी गर्म हो जाती है इसका फायदा नहीं है ना. बहुत दूर पड़ता है. ठीक है और लेकिन मामू दूर बहुत है. कौन दूर है ये रास्ता. तो क्या हो गया क्या कहते हैं आधा घंटे में घर. आधे घंटे में कैसे. आधा घंटा भी नहीं 15 मिनट में. चलो किस में भाई. लैम्बो पे. थार पे आया हूँ भाई मैं. भाई मामी सच में ना कितनी डल बदलू है. क्यों असली में वैसे इतना फ्रैंक हुए बात करती गुड जॉब ये वो ये इतनी क्या हुआ है. फॉर्मेलिटी कर रही है मेरे से बहुत ज़्यादा अभी. चल कोई नहीं यार ये देखो नहीं मामू. थैंक यू सो मच. आप खाओ मामू. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी. हाँ फाइनली 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं मामू से. 1.5 साल के बाद मिल रहे हो. मामी थार पे भी आया हूँ देख लो. कहा था ना मैंने चले अब आप किस पे आओगे. हाँ फोटो खिंचवा लेते हैं. मामी मजा आएगा फिर तो आपको. मासी से तो चलो बेटर ही रिएक्शन. मासी से तो बेटर ही रिएक्शन. मामू का सारा सामान है इतना और ये आ नहीं रहा. थार की यही दिक्कत है सबसे बड़ी. फाइनली गाइस हम लोग निकल गए हैं. देखो भी पहनेंगे चश्मा अपना एक्टिंग करने के लिए. ये चश्मा आ गया देखो. मामू चश्मा आप बैठे हो लैम्बो में. लास्ट टाइम मामू बैठा था ना एयरपोर्ट से आए थे आप नहीं बैठ पाए थे. मामी इतनी हरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो. एक्सेप्ट कर लो. नहीं क्यों अभी इसको बैठ के डिलीट करो. दोनों के घर आते ही ना देखो ऐसे थाली से आरती उतार रहे हैं. मां क्या क्या ले आए. ये स्पेशल गुजिया. हां स्पेशल मिस ससुराल जाएंगे. मम्मा कितने फॉर्मेलिटी कर रही हैं. सब कुछ ऐसे नहीं ये दो दाने नहीं चलेंगे. अब मामू का ना ले ओवर है दुबई में. हां तो मामू कह रहा है कि साथ दुबई चल रहे हैं लेकिन आप मेरे को जाने नहीं दे रहे. लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो एक शर्त है. कुछ मामू को दिखाना है मैंने पहन के वहां पे. क्या दिखाएगा पहन के. बस जैसे इसकी गाड़ी आई मेरी नींद खुली. टाइम था सब आती. हाँ. मम्मा मेरे साथ अमन है. मैंने कहा अमन तो अमन तो साथ ही था. नहीं अमन बाद में आया मेरे पास में. वो सुबह ही. हाँ इसकी गाड़ी आई और मेरी नींद खुली. पता नहीं तो गाड़ी तो था रही है. हाँ तो मैंने हॉर्न मारे थे ना. इसने हल्के हल्के हॉर्न मारे लेकिन मैं उससे पहले जगी थी और मैंने इसको कॉल किया तो इसका. हाँ मैं उस समय लड़ाई हो रही थी मेरे एक बंदे से. एक बंदा मुझे फोन करके धमका रहा है. जब मेरे को बता दिया कर कि मेरे साथ मम्मा है अमन तो फिर मैं चिंता ना करूं. मुझे ये है कि ये अकेला है. मैं फोन करा कर चुका. हेलो गाइस ये है नेक्स्ट डे और अभी ये बच्चा आया हुआ है घर पे. चलो खड़ी हो.
मैं देखता क्या रहता है फोन पे। ओ, देखो। मेरे हिसाब से इसको भी एक जरूरत है फोन की। हेलो गाइस, थार पेट्रोल की ना माइलेज बहुत कम है। हाँ जी डाल दीजिए मैम। अब इसको बार बार फ्यूल करवाना पड़ता है, इसकी एवरेज बहुत कम आती है। और बाय द वे आज मैंने टी शर्ट पहनी है ये वाली बहुत टाइम के बाद में, कैसे लगे बताना कमेंट्स में। ये नाइकी एलए वाली टी शर्ट है, लॉस एंजलिस लेकर्स वाली। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं डिफेंस कॉलोनी, मेरा थोड़ा घूमने का मन था अंकल जी के मामू को लेकर के फरीदाबाद। तो अभी मैं घर पर कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि जरा मैं भी निकलता हूँ थोड़ा घूम घाम के आते हैं। तो डिफेंस कॉलोनी जा रहा हूँ स्टारबक्स। वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में आता हूँ ना, बिल्कुल दुनिया पलट जाती है, लगता पता नहीं कहीं आ गया। यहाँ पर जो स्टारबक्स है ना वो मैं गलत आ गया मार्केट में, मैं गलत आता था यहीं पर होगा, बट दूसरी जगह पर है स्टारबक्स, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हियर इज माय कॉफी गाइस, ये डिफेंस कॉलोनी का स्टारबक्स है एंड ये चिकन हैम चीज सोल लिया है। मामू ना आज ही फरीदाबाद गए हैं, वैसे कल वो आए हुए थे ना तो बहुत ज्यादा मजा आया था। अब मेरे को अमू से मिलने जाना है परसों कुरुक्षेत्र। अभी हम आ गए हैं सिलेक्ट सिटी वॉक, ऑलमोस्ट मॉल ना बंद हो गया है और यहाँ पे आज खुला है बीरा का टैप रूम, उसी में हम जा रहे हैं। पूरा ही मॉल बंद पड़ा, देखो नाइकी स्टोर भी। भाई राहुल भैया कहाँ चले गए? अरे मेरा ये रहा यार सामने डीएलएफ, अच्छा बनाया हुआ है पूरा, बहुत सही है, पूरा फूड कोर्ट ही है। डेली आइस वगैरह हमको जाना है सामने टैप रूम। तुम कहते हो उसमें एंट्री नहीं मिलेगी शॉर्ट्स में, तो खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, हमको तो सब में एंट्री मिल जाएगी शॉर्ट शॉर्ट्स में, आप आराम से आ जाओ। भाई कितनी ही बियर है यहाँ पे, अलग टाइप की सारी की सारी, लस्सी आयल वगैरह पता नहीं क्या क्या है। लस्सी पिया आपने? मैंगो बहुत बियर है बट यहाँ पे जबकि इनको देना चाहिए सबके टेस्ट, जब कोई बंदा आ रहा है ठीक है। एग्जैक्टली वीगन वी डाइट आमंड वाला की, ये क्या पी रहे हो आप? ये ड्रिंक है बढ़िया है, देखते हैं। हाँ भैया मेरे को वहाँ घर छोड़ते ना मेरे जीतो भैया और वो उसे पहना हुआ था हेलमेट, उसने नहीं पहना हुआ